तो है व्हाट्स अप गाइस, क्या हाल चाल है आप सभी के। आई होप बढ़िया होगा, अगर बढ़िया नहीं है तो डॉक्टर को दिखा। तो गाइस कल है संडे, मेरा छुट्टी है। पूरे 6 दिन गुजरने के बाद एक दिन का छुट्टी है, तो क्यों ना इस चोर से शकल को लेकर चोर बाजार जाया जाए। प्लान तो यही है, बहुत दिनों से सोच रहा था मैं, और वो घड़ी आ गई जो मैंने ऑर्डर किया था, सॉरी मतलब जिसका मुझे इंतजार था। तो कल जा रहे हैं हम चोर बाजार। अभी रात के 11:30 बज रहा है, सारे लोग सो रहे हैं, बस मैं जाग रहा हूँ। इसमें कितना सच्चाई है यह आप सभी को पता होगा। तो चलो गाइस सोने चलते हैं, मिलते हैं कल सुबह, जल्दी उठना होगा। पता नहीं पॉसिबल है कि नहीं, लेकिन फिर भी कोशिश करूँगा, कम से कम 20-25 अलार्म तो लगाना होगा। बिल्कुल चलिए। तो गुड मॉर्निंग एवरीवन। मुझे सच बताऊं तो खुद पर यकीन नहीं हो रहा कि मैं उठ कैसे गया यार। आवाज़ थोड़ा तेज लग रहा होगा क्योंकि अभी बज रहे सुबह के 6:30 और मैं उठ गया हूँ। अभी ठंड का टाइम है तो अभी भी अंधेरा है बाहर, तो इसलिए थोड़ा वेट कर लेता हूँ। हाँ अभी उठने का बहाना कर रहा था, उठा हूँ मैं लगभग 20 मिनट पहले ही और फुल रेडी हो गया हूँ मैं। और ये रहा, आज ये भी करेंगे हम, मतलब समझ रहे हो, मोटो ब्लॉगिंग करते जाएंगे। बाइक है नहीं लेकिन करेंगे, ठीक है ना। तो चलो भाई, और फाइनली मैंने इसमें माइक भी सेट कर लिया, अब हम रेडी हैं जाने के लिए चोर बाजार चोर की तरह। तो चलो गाइस, बूम बूम बूम, बाइक देख के हंसना मत बस। तो गाइस गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सब, मतलब ब्लॉगिंग मोटो ब्लॉगिंग यार क्या क्या बोल रहा हूँ, मतलब कुछ समझ नहीं आ रहा। ठंड बहुत ज़्यादा लग रहा है, मुझे नहीं लग रहा कि इससे काम चलेगा क्योंकि ये बहुत हल्का है स्वेटर जो मैंने पहना है, और ठंडा बहुत ज़्यादा है भाई। सुबह सुबह का टाइम है, ये देखो अभी तक धूप भी नहीं निकला है, और पता नहीं साउंड कैसा रिकॉर्ड हो रहा है, बस अच्छा होना चाहिए, जैसा भी हो अच्छा होना चाहिए, ज़्यादा बकवास नहीं होना चाहिए, मैं यही सोच रहा हूँ और कुछ नहीं। माइक को थोड़ा एडजस्ट कर लेता हूँ। रेड सिग्नल, यार इतना सुबह सुबह रेड सिग्नल कैसे, थोड़ा लड़खड़ा भी जा रहा हूँ यार क्योंकि मैंने कभी ये किया नहीं है। तो गाइस सुबह सुबह दर्शन हो रही है लड़कियों की, सॉरी आंटियों की। उफू, जमा मस्जिद चोर बाजार मिलेगा या नहीं कुछ पता नहीं, लेकिन जो भी बोलो, गाड़ी 53 की स्पीड में है, 57 भी हो जाती। यहाँ पे ग्रीन सिग्नल है, कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए बस मेरा, भगाओ जितना भगाना है भाई। सुबह सुबह का टाइम है, ठंड भी बहुत है, लेकिन क्या करे, गांड फटे तो फटे, नवा भी ना घटे, बस वो वाला सीन है। तो भाई लोग, मुझे ये नहीं समझ में आता ये कौन लोग हैं जो इतना जल्दी उठ जाते हैं। मेरे से तो नींद नहीं खुलता, मतलब 1 घंटा अलार्म बजा तब मैं उठा, और ये लोग देखो, मजबूरी है यार, जैसे मैं मजबूर होकर 9 बजे उठता हूँ, ये 6 बजे उठते हैं, बात अलग है। और व्यू देखो भाई, क्या मस्त नज़ारा है, एकदम से सन व्यू देखो, असली व्यू तो अब आ रहा है भाई। अरे मैंने रेड सिग्नल में घुसा दिया गाड़ी, और ये देखो शायद ही दिख रहा होगा, अबे बहन चो पीछे से आके ठोक मत देना। तो मेरी फेवरेट कार सिविक, शायद ही दिखा होगा, जो भी हो ख़त्म हो गया ट्रैफिक, हम निकलते हैं सीधा। अरे भैया जी आराम से चलाओ, ठंडा का टाइम है। अरे आंटी जी यही तो भगाओ गाड़ी जी, अब तो एकदम मस्त चकाचक वाला। तो भाई लोग अभी सीन ये हुआ कि मैं रास्ता भटक गया था यार, एक अंकल से पूछा, उसने बताया कि तुम गलत जा रहे हो। बेटा शुरू से ही गलत जा रहा हूँ मैं, मुझे क्या मालूम कि इस रूट पे भी मैं गलत जा सकता हूँ, क्योंकि 3 से 4 बारी आया हूँ मैं प्रॉपर, मुझे याद है रास्ता, मैप में भी देखा था, और फिर भी मैं खो गया यार। अब देखो सामने से भी टी पॉइंट है, अब इधर से किधर जाना है यार, मतलब पहले आते तो तब तो ऐसा नहीं होता था, आज ये सब होना था क्या है यार ये सब। किधर जाना है, इधर जाना है, इधर जाना है, अच्छा इधर तो बिल्कुल नहीं जाना है, इधर ही जाना होगा। ओए होए क्या बात है, मुसकली लोग, रसियन देखा भाई मैंने सुबह सुबह अभी अभी एकदम से, और ले चलो गाड़ी भगाते हुए भाई लोग, क्योंकि रास्ता एकदम से खाली है, कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए, बस ध्यान रखना यही चीज़ कि एक्सीडेंट ना हो जाए। फंसने के बाद क्या हाल चाल भाई लोग, बढ़िया मस्त टम टम घोड़े से जा रहे ये, घोड़े से कुछ और मत समझना, घोड़े से ही बोला मैंने, टम टम। और फाइनली भाई लोग मुझे दिख गया जामा मस्जिद, ये रही सामने, मैं इसके पिछले वाले रूट से आ रहा हूँ, सामने वाला मुझे उतना खास देखा हुआ नहीं है, मैं हमेशा सही तरीके से आता हूँ। ये देखो यार सुबह सुबह कितना खूबसूरत लग रहा है, कितना प्यारा लग रहा है, माशाल्लाह।
दिल्ली में पहुंच गया हूँ भाई साहब। देखो कितना हैवी क्राउड है यहाँ पे, एकदम से पूरा हैवी वाला भीड़ है ये देखो। हर तरफ भीड़ भीड़ है भाई, सामने है लाल किला। और सुबह सुबह मुझे लगा नहीं था कि इतना ज्यादा भीड़ होगा जैसे वीडियो में देखता था, लेकिन बहुत ज्यादा भीड़ है यहाँ पे। चलो देखते हैं क्या क्या मिल रहा है यहाँ पे। तो गाइस उधर पे बहुत ज्यादा क्राउड हो रहा था तो मैं साइड में आ गया हूँ, और अब मैं जा रहा हूँ उस जगह पे जहाँ पे आईफोन आईपॉड वगैरह वगैरह क्या क्या मिलते हैं सस्ते में। देख सकते हो भाई। और फाइनली गाइस मुझे यहाँ पे दिखा है GoPro, ये देखो पता नहीं क्या प्राइस है, मैं तो पूछने वाला हूँ, पहली बार आया हूँ। और ये कितने के है इसका? कितने का है? 2200 रुपए की। ओपन करना भाई। अबे भाई को दिखा दे, ये दिखा दे फोन में। ये रहा 4K में भी है, 4K में 4K रिकॉर्ड है, दिखाना भी एक मिनट। हाँ भाई देख रहा हूँ भाई, ऐसे ही व्लॉग वाले। अरे नहीं यार, बस ऐसे ही मजे में, ठीक है वैसे उतना भी बुरा नहीं है। और एप्पल वॉच भी है वगैरह वगैरह क्या क्या चीजें। तुम भी व्लॉग बना रहे हो भाई? तो भाई लोग यहाँ पे है जॉर्डन के शूज, बढ़िया बढ़िया शूज है जो कि 300 से 350 में मिल जाएंगे। और अगर किसी को खीरा लेना है तो वो भी बता दो। यहाँ पे जैकेट दिखी है, अच्छा लग रहा है ये वाला बस बाकी। तो भाई लोग बात ऐसा है कि ये चचा जो है सामने बैठे हुए ये गुस्सा होने लगे थे, वो भी बहुत खतरनाक वाला, तो वीडियो बना नहीं पाया पूरा सही से मैं। तो गाइस यहाँ पे आए हुए लगभग 2 से 2.5 घंटे हो गए और अब निकल रहा हूँ मैं घर के लिए। धूप भी हो गया अच्छा खासा, लगभग 9 बजने वाले हैं या 9 बज गए होंगे। और मैं हूँ अभी पार्किंग में, ये रही अपनी स्कूटी भाई, चलो निकलते हैं। तो भाई लोग हम यहाँ से अब निकल रहे हैं, टाइम भी अच्छा खासा हो गया। हेलो भाई क्या देख रहे हो, एकदम से गजब का रिएक्शन था इन बंदों का कि यार ये सस्ती सी गाड़ी लेकर मोटो व्लॉगिंग करने चला है बंदा, क्या बात है भाई। तो भाई कोई सीखो इससे कुछ, नल्ले बैठे हो यार, कुछ ना कुछ काम मिल जाएगा। एक और आ रही है, क्या हाल है मैडम, कातिल निगाहें। तो फाइनली गाइस अब मैं आ गया हूँ अपने घर पे, अपना घर नहीं है किराया वाला घर है, लेकिन यार हम जो जो चीजें सोच के गए थे वो चीजें तो मिला नहीं। लेकिन आप एक अच्छा काम कर सकते हो, बहुत अच्छा काम, वो है सब्सक्राइब और लाइक शेयर जो करना है जल्दी जल्दी कर दो गाइस, कम से कम 1000 सब्सक्राइबर ही कर दो यार। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय।